अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से इंग्लिश बोलना सीख सकते तो क्या आपको यकीन होगा नहीं नहीं होगा लेकिन यह मुमकिन है और आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगी इंग्लिश बोलना कोई बच्चों का खेल है जी हाँ है तभी तो मेरी डॉटर इंग्लिश बोल लेती है वो भी तो एक बच्ची है वैसे इस टॉपिक पर कि मेरी डॉटर ने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा मैं एक अलग वीडियो बनाने को सोच रही थी लेकिन अगर आप कॉमेंट में मुझसे बोलते तो वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से इंग्लिश बोलना इंग्लिश सीखना मुमकिन कैसे है मुमकिन है देखिए गौर कीजिए कि एक साल में अगर हम बात करें एक साल में कितने दिन होते हैं होते हैं तीन सौ पैसठ दिन राइट ईयर में कितने होते हैं तीन सौ अगर आप हर दिन एक वर्ड सीखते हैं तो आप साल में कितने वर्ड सीख जाएंगे 365 हंड्रेड एंड सिक्स वर्ड्स लिपियर में कितने सीख जाएंगे 366 हंड्रेड एंड सिक्स वर्ड्स अब आता है कहानी में ट्विस्ट आपको जरूर ये ख्याल आया होगा कि भाई एक साल में अगर हम सिर्फ और सिर्फ 365 हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव वर्ड सीख रहे हैं तो अगर हमें टू थाउजेंड वर्ड सीखना है अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए तो हम कितने दिन में सीखेंगे इसको सीखने में आपको देखिए लग जाएंगे लगभग सिक्स ईयर्स ठीक है ये बात तो फैक्ट है लेकिन जो ट्रिक मैं दे रही हूं उसके लिए रुकिए आप जो ट्रिक मैं दे रही हूँ आप छह साल तो छोड़ दो एक साल में एक साल में आप दो हजार नहीं 5000 हजार वर्ड सीखेंगे अब आप सोच लीजिए कि आप छः साल में कितने वर्ड सीख जाएंगे मतलब फाइव थाउजेंड वर्ड्स और आपको सीखना है हर दिन केवल एक वर्ड ये कैसे मुमकिन होगा गैज़ ये मैजिकल मेथड है जो आपको पता चलने वाला है लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में इन तक बने रहना होगा तो तीन काम कीजिए जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दीजिए हर कोई लाइक देगा जल्दी से फाइव लाइक्स कंप्लीट करने हैं दूसरा काम कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और तीसरा काम जो मैंने कहा कि वीडियो में इन तक बने रहिए बिकॉज उसके बिना ये मुमकिन नहीं है

टू my मदर ठीक है इसका मतलब है कि मैं मेरी माँ से बात करना चाहती हूं लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेस की तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा जैसे अगर मैं आई पर स्ट्रेस जो मैं बोलू

समझ रहे हैं कि स्ट्रेस कितना मैटर कर रहा है गाइस अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना तो वो इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर अवेलेबल है आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं तो क्या गूगल से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं गाइस आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी देखिए दो चीजें मैं कंपेयर करूंगी जैसे आपने गूगल में एक सवाल पूछा तो आपको तुरंत जवाब मिल गया द सेम वे एक वेबसाइट है

तो गूगल पे क्या होता है कि आप सवाल करते हो एक जैसा और उससे काफी रिलेटेड चीजें आपको दिखाई जाती हैं ठीक है तो जैसा कि मैंने आपसे बोला वैसे एक चीज बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है

तो आप गूगल पर ये लिखने वाले हैं ठीक है थीके? मैंने कॉपी कर रखा था पेस्ट कर दिया अदरवाइज आपको टाइप करना है एक चीज और बता दो आप पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए या फिर अगर आप पीसी पर काम करते हैं पीसी पर ही स्टडीज भी करते हैं आप तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पीसी पर ही ये चीजें लिख सकते हैं और फिर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर दिन ऑलराइट राइट right, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए टॉप पर ये लिख लीजिए और आपको बस यहाँ से कॉपी करना है इस वर्ड को आपको रिप्लेस कर देना है हर बार ठीक है सो मेक को आप रिप्लेस कर देंगे अभी हमने वर्ड लिया है मेक मेक वर्ड याद रखेंगे क्या डाला है देखिए क्या टाइप किया है सिनेम्स फॉर द वर्ड And then inverted commas, में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो कन्फ्यूज नॉपर इस तरीके से विद एग्जाम्पल्स लिखेंगे एंड हिंदी मीनिंग ये हमने क्यों लिखा है अभी तो गूगल पे है अभी जीपीटी पे भी देखेंगे हम एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि कोई भी वर्ड आप तभी अच्छे से समझ पाते हैं जब उसे एग्जाम्पल में यूज हुआ देखते हैं आप और मीनिंग इसलिए जरूरी है ताकि आप उसका अर्थ पहले समझ लें ऑल राइट right? तो हमने अभी तो गूगल पे डाला है अब इसको हम सर्च कर लेते हैं तो इसको सर्च करने पर आपके सामने देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपके सामने रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं अब देखिए है तो बहुत सारे रिजल्ट्स और आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ दिख रहा है कि केवल और केवल और मिल गया ये मतलब तो तो एक डिक्शनरी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी दिख रहा है लेकिन हमें तो इंग्लिश वर्ड्स चाहिए है ना हमें एग्जाम्पल्स भी चाहिए वो शायद यहाँ पर ना मिले उसके बाद चलिए आगे बढ़ते अब ये डिक्शनरी दिख गई यहाँ भी आपको मेक के Synonyms मिल बट मे भी हिंदी में मिले मे भी इंग्लिश में मिले ठीक है और आगे बढ़ते चलिए इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है 494 सिमिलर एंड ऑपोजिट वर्ड्स ठीक है इसे क्लिक कर लिया तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये सिमिलर वर्ड्स मिल गए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मिल गए प्रोड्यूस क्रिएट मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्ट असेंबल लेकिन इन्हें आप एग्जांपल्स में कैसे यूज करेंगे इनका मतलब क्या है ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है वर्ड्स तो आपको बहुत सारे मिल गए इवन आपको एंटोनिम्स में मिल जाएंगे मतलब ऑपोजिट वर्ड्स ऑल राइट तो ये बात हुई गूगल के आपको बहुत सारे रिजल्ट्स उसने दिखाए आपको ढूंढना है आपको पिक करना है कि कौन सा ले अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे और यहां पर भी इस बॉक्स में हम सेम चीज पेस्ट कर देते हैं ठीक है ठीके? क्या है सिनेम्स फॉर द वर्ड मेक विद एग्जाम्पल्स एंड हिंदी ऑल राइट अब हम इसको यहाँ पर एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीजें देखने को मिलती है तो आप देख सकते हैं अभी ये लिख रहा है और ये कितने लिखता है ये देखते हैं ट्वेंटी ग्रेट जॉब मोस्टली चैट जीपीटी में आपको टेन वर्ड्स मिलते हैं अगर मतलब टेन रिजल्ट मिलते हैं कह सकती हो कि जो चीज आपने दिया उसके टेन रिजल्ट आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पे हमने वही चीज टाइप की थी अभी हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है सिनोनिम्स दिख रहे हैं और सिनोनिम्स के हिंदी मीनिंग्स दिख रहे हैं साथ में एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं अगर आपको एग्जाम्पल्स के भी मीनिंग्स चाहिए तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल्स भी हिंदी में भी लिख के दिखाओ और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो अभी जैसे मेक का जो एक सिनोनिम है क्या है क्रिएट यहाँ आपको क्रिएट दिख गया क्रिएट का मतलब होता है सृजना शी कैन क्रिएट ब्यूटिफुल आर्ट वर्क विद जस्ट अ फ्यू कलर्स ऑल राइट यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्ट वो भी है, इसका मतलब होता है निर्मित करना समझ में भी आ रहा है प्रोड्यूस प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना ठीक है एग्जाम्पल क्या है द फैक्ट्री प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ कार्स एवरी मंथ ठीक है ये क्लियर हो रहा है कि हर महीने फैक्ट्री जो है वो हजारों कार्स बनाती है बिल्ड का मतलब होता है बनाना तो आपको हर दिन एक वर्ड लेना है यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है और ढेर सारे जो रिजल्ट्स आएंगे अब इन्हें आप अपनी डायरी में लिखे अब आप कहेंगे ये लंबा काम है भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आप इन्हें अपनी डायरी में लिख सकते हो या फिर आप पीसी में ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो लिखिए आप चाहे जहां भी आप चाहे कॉपी पेस्ट कीजिए बट आपको बोलकर जरूर से पढ़ना है क्या करना है बोलकर पढ़ना है और वो भी एक बार नहीं दो बार मतलब ये जो रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको इन्हें आपको दो बार पढ़ना है और फिर एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए याद करने का जो कि मैंने आपको ट्रिपल फाइव फॉर्मूला वाली वीडियो में दिया है उसकी लिंक आपको वहां मिल जाएगी और ये है वो वीडियो इसे जरूर से देखिएगा इसमें आपको मैंने बताया किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिस

जल्दी सी चीजें पढ़नी है बट वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा अब ये आपने किया इतनी चीजें आपने सीखी अब कुछ और चीजें देख लेते हैं फिर से आपको यहाँ पर कुछ लिखना है अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ आप सिनेम्स फॉर नहीं जाएंगे ठीक है अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कोलोकेशंस अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कोलोकेशंस ऑल राइट

उसको कैसे यूज करना है लैंग्वेज में वो सीख जाएंगे और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलोकेशंस होते हैं वो वर्ड्स देखिए यहाँ पर टेन रिजल्ट्स हैं आपके सामने सो so यूजुअली आपको टेन ही मिलेंगे और चाहिए तो आप यहाँ पर मोर लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए और ज्यादा आ जाएंगे बट यूजली टेन मिलते हैं तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलता है आपको वो वर्ड्स मिलते हैं जो एक साथ यूज होते हैं तो अगर फैसला करने की बात करें तो हम यूज करते हैं मेक अ डिसीजन ठीक है ये कोलोकेशन है ठीक है, है, है इसका मतलब क्या है फैसला करना क्या है यहाँ पर आपको इसका भी हिंदी मतलब दिख रहा है मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है इसी तरीके से आगे बढ़ते मेक एन एफर्ट आपको मिल गया मेक अ प्रोमिस मिल गया अब जैसे वादा करने की बात करें तो दिमाग में क्या आता है वादा अच्छा प्रॉमिस करना यानी डू सो डू अ प्रॉमिस नहीं होता होता है मेक अ प्रॉमिस तो यहाँ आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मतलब अगर आप कोलोकेशन तैयार कर ले तो कमाल का चेंज आता है है वैसे पर भी मैंने वीडियो बनाई पर्टिकुलरली वो आप देख सकते हैं आपको वहां पर अभी आई बटन पर लिंक मिल जाएगा क्लिक कीजिए देखिए कोलोकेशन तो बहुत ही कमाल का काम करते हैं मैंने एक ही वीडियो में कई सारे कोलोकेशन दिए हैं वो जरूर देखिएगा तो आपको हर दिन एक वर्ड के साथ क्या है आपने देखा निकालने और कोलोकेशन निकालने जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से रिजल्ट्स मिल जाएंगे मैं चाहती हूँ मतलब इसीलिए मैंने हिंदी का जिक्र किया था यहां पर जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी उससे सो मेक अ मिस्टेक गलती करना अगेन देखिए डू अ मिस्टेक नहीं बोलते मेक अ मिस्टेक बोलते हैं मेक अ फोन कॉल मेक अ सजेशन मेक अ रेजर्वेशन मेक अ डिफरेंस ठीक है मेक अ प्लान मेक अ रिक्वेस्ट तो ये सब कुछ लिखिए दो बार पढ़िए वापस एक हफ्ते बाद पढ़िए फिर एक महीने बाद देखिए देखिए आपकी इंग्लिश में कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा मैंने गूगल से कंपेयर करके इसलिए दिखाया आपको गूगल पर सारे जवाब मिलते हैं बट आपको खुद से चूज करना पड़ता है किस में जाऊँ हर दिन ये करने में बोरियत भी महसूस होती है और लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये फ्री भी है आप चैट जीपीटी पर जाते हैं इस तरीके से लिखते हैं आपको आंसर्स मिल जाते हैं और क्या चाहिए फ्री में आप चीजें सीख रहे हैं तो मैंने आपसे बोला था ना कि आप 365 डेज में 5000 थाउजेंड वर्ड सीखेंगे इवन उससे ज्यादा आप सीख रहे हैं देखिए मैंने आपसे बोला था वन वर्ड लेना है डेली आपने ट्वेंटी और चीजें सीखी मतलब टोटल आपने ट्वेंटी चीजें सीखी अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री से तो रिजल्ट क्या आता है पता है सेवन तो मतलब आप 7665 वर्ड सीखते साल में अगर आप वीकेंड वगैरह निकाल भी दें तो भी आप 5000 से ऊपर ही वर्ड सीखेंगे 5000 प्लस वर्ड्स एक साल में तो ये अमेजिंग टेक्निक अच्छा आपने किसी दोस्त को बता मत दीजिएगा इवन उनके साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी सीखेंगे हर कोई सीखेगा और हर किसी को बहुत फायदा होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ भारत के कोने कोने में हर एक बच्चा इंग्लिश सीख सके और आगे बढ़ सके अगर आप ये मैजिकल मेथड फॉलो करने वाले हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस यस लिख के कमेंट सेक्शन को भर दे आज मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आप प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा जय हिंद